मतलब बोन मैरो मैच हो गया है यहाँ पर, आप मान भी गए हैं, जिससे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो रहा है, और प्लस लवली जो हमेशा आपसे नफरत करती आई हैं उस उनके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे सीक्वेंस के बारे में? सीक्वेंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मायरा एकदम पढ़ने वाली होती है, तो सब ब्लड टेस्ट करते हैं, किसी का बोन मैरो मैच नहीं होता, मेरा हो जाता है, तो फिर मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उसे बोन मैरो देती हूँ, वो ठीक हो जाती है, फिर हम दोनों ठीक हो जाते हैं, फिर जैसे ही हम दोनों ठीक होते हैं वैसे ही सिकंदर जी बीमार हो जाते हैं, तो सबके लिए उनके लिए बहुत कंसर्न होता है कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया। सब चीज़ें मतलब एक तरफ अच्छी हुई है जहाँ मतलब हमारा ने आपको ये बताया कि उन सबको पता था कि आप सिकंदर की बेटी हैं, आप एक तरफ नाराज़ है लेकिन वही एक्सीडेंट की न्यूज़ ने शायद वापस अपसेट कर दिया है। हाँ, मायरा ने मुझे बताया कि बाबा को पहले ही पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला क्योंकि मायरा ने उन्हें प्रॉमिस दिया था, फिर मुझे उन पर गुस्सा आया, फिर पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इमोशनल भी हो गया और कंसर्न भी आया उनके लिए। थैंक यू मतलब बोन मैरो मैच हो गया है यहाँ पर, आप मान भी गए हैं, जिससे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो रहा है, और प्लस लवली जो हमेशा आपसे नफरत करती आई हैं उस उनके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे सीक्वेंस के बारे में? सीक्वेंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मायरा एकदम पढ़ने वाली होती है, तो सब ब्लड टेस्ट करते हैं, किसी का बोन मैरो मैच नहीं होता, मेरा हो जाता है, तो फिर मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उसे बोन मैरो देती हूँ, वो ठीक हो जाती है, फिर हम दोनों ठीक हो जाते हैं, फिर जैसे ही हम दोनों ठीक होते हैं वैसे ही सिकंदर जी बीमार हो जाते हैं, तो सबके लिए उनके लिए बहुत कंसर्न होता है कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया। सब चीज़ें मतलब एक तरफ अच्छी हुई है जहाँ मतलब हमारा ने आपको ये बताया कि उन सबको पता था कि आप सिकंदर की बेटी हैं, आप एक तरफ नाराज़ है लेकिन वही एक्सीडेंट की न्यूज़ ने शायद वापस अपसेट कर दिया है। हाँ, मायरा ने मुझे बताया कि बाबा को पहले ही पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला क्योंकि मायरा ने उन्हें प्रॉमिस दिया था, फिर मुझे उन पर गुस्सा आया, फिर पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इमोशनल भी हो गई और कंसर्न भी आया उनके लिए। थैंक यू।